हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीज़ा डिले से रिलेटेड। मेरे पास काफ़ी लोगों के क्वेरीज आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मेरा बायोमेट्रिक इस डेट को हुआ था, या मेरा वीज़ा कब तक आएगा, या आज हुआ है, या क्या सीन है। तो भाई आई नो काफ़ी डिले हो चुका है वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम में, कई लोगों के प्रायोरिटी वीज़ा में भी डिले हो रहे हैं। तो भाई सबसे पहली एक रीज़न मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप पैनिक मत करो। इस डिले का आपकी एप्लीकेशन में गड़बड़ होना नेसेसरीली नहीं है रीज़न, ठीक है। सो अगर आपका डिले कॉज हो रहा है तो आप ये मत सोचो कि वीज़ा आएगा नहीं आएगा, या कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी आपकी एप्लीकेशन में किसी ने। ऐसा कुछ भी नहीं होता हर बारी, ठीक है। तो मेन रीज़न जो सबसे पहले सबको पता है और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि वो हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस है, ठीक है। इसी वजह से कैश भी डिले कितने लोगे हुए हैं, और जो लोग अभी तक कैश का वेट कर रहे हैं तो भाई मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन ये नहीं है कि आप अभी भी वेट करो। मैं सजेस्ट करूँगा आप जैन के लिए तैयारियाँ करो रैदर दैन अभी, ठीक है। जिन लोगों के वीज़ा अप्लाई हो चुके हैं, अब लोगों के मेरे पास कहीं मैसेज आते हैं, भाई मेरा 15 अगस्त को बायोमेट्रिक था, भाई मेरा 24 अगस्त को था, भाई फलाना फलाना फलाना। भाई जब भी आपका बायोमेट्रिक था और आप मेरे से अगर पूछ रहे हो भाई मेरा वीज़ा कब आएगा, मैं क्या आपको कोई भी यूट्यूबर, कोई भी आपका एजेंट, कंसल्टेंट, इवन VFS तक नहीं बता सकता आपका वीज़ा कब आएगा। वो है सोलली आपके वीज़ा ऑफिसर, जो UK का इमिग्रेशन एंड एम्बेसी डिपार्टमेंट है, उनके हाथ में। तो आपको कोई भी अगर झूठा वादा कर रहा है कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ये ऐसा क्वेश्चन पूछो भी मत कब आएगा। अब बात आती है एक्सपेक्टेड कब है, कब तक आ सकता है, राइट। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जब आती है बात कब तक आ सकता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई जब आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट हो गई है, आपने विजिट सेंटर करते अपने फिंगरप्रिंट दे दिए हैं और जब वो हो गया है, तब से लेके अगर आप 3 वीक्स काउंट करो, 21 दिन वर्किंग डेज, उसके अंदर आपका वीज़ा यूजुअली आ जाना चाहिए। ये उनकी सेट टाइम प्रोसेसिंग टाइम है, इसको वो डिले भी नहीं कहते, ठीक है। तो 21 दिन तो ये मान लो, और अब जो डिले चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा ऐड ऑन कर लो, तो आई डोंट थिंक कि इससे भी ज़्यादा कोई लोग, बहुत ही रेयर है जिनका अटका हुआ है, और उनको पेड इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या रीज़न है। पर जो लोगों का अगस्त एंड में हुआ है, तो भाई अभी तुम्हें जस्ट 3 वीक्स होने वाले हैं, लाइक वर्किंग डेज अगर इंक्लूड करो आप, तो उसके ऊपर एक हफ्ता मुश्किल है, 4-5 दिन। तो भाई ये कोई, ये नॉर्मल है, इसको अंडरस्टैंड करो। क्या चीज़ें नहीं करनी है इस टाइम में, अपने फंड्स नहीं हिलाने हैं। करेंसी बहुत नीचे हो रही है, पाउंड बहुत सस्ता हो रहा है इन रुपीज़, ये अच्छी बात है लोगों के लिए क्योंकि उनके फंड्स लाइक मोर हो जाएंगे। बट अपने फंड्स को स्टेबल रखना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। जो भी आपने किया बस पेशेंटली वेट करो। अगर आपको लग रहा है आपकी यूनी स्टार्ट हो रही है, ये है वो है, उनको ईमेल डालो कि दिस इज़ द रीज़न आई हैव अप्लाइड दिस लाइक 3 वीक्स बैक, आई एम स्टिल अवेटिंग डिसीजन। वो समझेंगी, यूनिवर्सिटी को भी पता है आप वीज़ा के ऊपर आ रहे हो यहाँ पे। टेल देम इफ़ यू कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस। आई नो थोड़े बच्चों को मिस होगा जो वीज़ा लेट से आएंगे, बट आप इन्फॉर्म तो करके रखो। ये ना हो कि यूनिवर्सिटी को कम्युनिकेशन नहीं हो रहा ढंग से, एंड यूनिवर्सिटी समझ रही है कि आप नहीं आ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से रखने वाली बात है। बाकी पेशेंटली वेट करो, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम धीरे धीरे कवर कर रहा है। बैकलॉग UK जो है बहुत ज़्यादा था इस बारी, सो आ जाएगा आपका भी वीज़ा। बट अपने फंड्स वगैरह स्टेबल रखो, एंड जो लोग कैश की राह में है, आई वुड सजेस्ट जैन के लिए प्रिपेयर करो। और जो लोग जैन इनटेक की प्लानिंग कर रहे हैं भाई, उनके लिए एक सबसे ज़्यादा बढ़िया सजेशन यही है कि सितंबर से सीखो अपना जो सारा प्रोसेस है, वो बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर दो, चाहे वो कैश हो चाहे कुछ हो, फॉलो अप करो। रिगार्डिंग बात रही प्रोसेसिंग टाइम की, वो अल्टीमेटली जो कैश का वो यूनिवर्सिटी देखती है, या फिर जो वीज़ा होता है वो एम्बेसी देखती है। इसमें ना VFS, ना आपका एजेंट, ना कोई भी यूट्यूबर कुछ भी कर सकता, ठीक है भाई। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस। जब आप यहाँ पे वीज़ा आ जाए आपका, फ़्लाइट बुक करो, इधर आ जाओ। कोई दिक्कत हो मेरे को बता दो, कोई भी प्रॉब्लम है। अकोमोडेशन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, आई नो। मेरे पास बहुत हज़ारों में मैसेज आते हैं भाई, तो मैं भी एकदम से सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ सबको, मैं इंस्टाग्राम पर जाके रिप्लाई करूँ, जो भी हो सकता है सजेस्ट करूँ। अगर आप मिडलैंड साइड में आ रहे हो, नॉटिंगम लेस्टर, और आपको कोई एयरपोर्ट पिकअप वगैरह देखना तो मुझे बता देना, वो आई विल सी व्हाट आई कैन डू। एंड या लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस।